हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्लीचिंग। ब्लीचिंग क्या होता है? टूथ ब्लीचिंग एक बहुत कॉमन प्रोसीजर है कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री का। ब्लीचिंग जो है टीथ की एक बहुत कंजर्वेटिव और कॉस्ट इफेक्टिव डेंटल ट्रीटमेंट है। किसके लिए? जिनके दांत थोड़े से डिसकलर्ड होते हैं और जो थोड़े अग्रेसिव मेथड्स हैं, जैसे कि वीनियरिंग करा लिया, क्राउन करा लिया या फिर कुछ और बॉन्डिंग कराया टू एनहांस अपनी स्माइल को करने के लिए, उससे ज़्यादा अच्छा कंजर्वेटिव मेथड है, उससे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। ये उन लोगों के लिए बहुत आइडियल है जिनके हेल्दी और बिना फिलिंग के दांत हैं या गम्स हैं, जिनको कभी कुछ किया नहीं गया है, बिल्कुल हेल्दी दांत हैं जिनके। टूथ वाइटनिंग जो है वो एक कंप्लीट कलर चेंज करता है, लेकिन ये लाइट कर देता है एग्जिस्टिंग शेड को, जो कि परमानेंट नहीं होता। ठीक है, इट इज़ नॉट परमानेंट, लेकिन एक लाइट कर देता है जो कि आपका पहले का शेड है। करंटली जो ब्लीचिंग एजेंट्स जो यूज़ हो रहे हैं वो प्राइमरीली हैं या फिर तो हाइड्रोजन परोक्साइड या कार्बामाइड परोक्साइड। जो परोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये पोरोसिटीज़ को पेनिट्रेट करता है इन अ रोड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ इनेमल एंड ब्रेक्स डाउन द स्टेन। येलो टीथ जो होते हैं, येलोइश टीथ होते हैं, दे रिस्पोंड वेल टू ब्लीचिंग कंपेयर टू ब्राउनिश कलर टीथ। येलो ज़्यादा वाइट होगा देन ब्राउन। ग्रे, पर्पल या फिर जो टेट्रासाइक्लिन स्टेन्स होते हैं वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं लाइट करने के लिए, और उनके लिए थोड़ी ज़्यादा प्रोलोंग ब्लीचिंग की ज़रूरत होती है। द अफेक्ट इज़ लेस लाइकली टू लास्ट एज लॉन्ग एज अगर आप स्मोक करते हैं या कुछ ऐसा खाते पीते हैं जिनसे कि आपकी टीथ में स्टेनिंग होती है, तो जल्दी ही आपकी ब्लीचिंग ख़त्म हो जाएगी। अब हमारे टीथ क्यों येलो हो जाते हैं या क्यों डिसकलर हो जाते हैं, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। दो एज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन स्मोक करना, कुछ फूड्स जैसे कि कॉफ़ी, टी या कुछ एंटीबायोटिक्स, उनकी वजह से हमारे टीथ येलो हो सकते हैं। हाउएवर, ब्लीचिंग इज़ अ ग्रेट वे टू टर्न स्टेन्ड और येलो टीथ को स्पार्कलिंग वाइट करने के लिए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अबाउट द ब्लीचिंग। सो टीथ ब्लीचिंग, कीपिंग टीथ वाइट। टीथ ब्लीचिंग एक कॉस्मेटिक सर्जरी का पार्ट है, एक प्रोसेस है जहाँ पे आपके डेंटिस्ट आपके टीथ के कलर को ब्राइट करेंगे और जो डिसकलरेशन के ट्रेसेस हैं उनको हटा देंगे। तो देर आर टू वेज टू अंडरगो टूथ ब्लीचिंग, होम ब्लीचिंग एंड इन क्लिनिक ब्लीचिंग। तो इन क्लिनिक ब्लीचिंग क्या होता है? एक डॉक्टर परफॉर्म करते हैं इन ऑफिस ब्लीचिंग क्लिनिक के अंदर अपने स्टाफ के साथ में, सब अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में। एक क्लिनिक के अंदर जो ब्लीचिंग हो रहा है उसको इन क्लिनिक ब्लीचिंग कहते हैं। दूसरा होता है होम ब्लीचिंग। होम ब्लीचिंग होम पे होता है, घर पे आपको ट्रेस बना के दे दिए जाएंगे डॉक्टर से, और आप उनको या फिर कुछ और मेथड दिया जाएगा ताकि आप अपने घर में ही उसको यूज़ कर सकें। देन टीथ वाइटनिंग ट्रीटमेंट। इन जनरल दोनों टेक्निक्स जो हैं दोनों अफेक्टिव हैं, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं कि कैसे टाइप के स्टेन्स हैं, पेशेंट की एज क्या है, ब्लीचिंग एजेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ट्रीटमेंट का टाइम और कितने फ्रीक्वेंट ट्रीटमेंट लिया गया है। इन ऑफिस ब्लीचिंग में 15-43% परोक्साइड यूज़ होता है, लेकिन एट होम ब्लीचिंग में 3-20% परोक्साइड यूज़ होता है। ये आप याद रखिए, क्योंकि जो इन ऑफिस होगी उसको हम बेटर हैंडल कर सकेंगे, तो उसका कंसंट्रेशन 15-43% होगा, और जो घर में होगी 3-20% परोक्साइड। नाउ इन ऑफिस टूथ वाइटनिंग, टीथ वाइटनिंग इज डन बाय अ डेंटिस्ट, डेंटल प्रोफेशनल। तो ब्लीचिंग एजेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है होम ब्लीचिंग से। लाइट
हीट या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन से हम वाइटनिंग प्रोसेस को इंटेंसिफाई कर सकते हैं। ब्लीचिंग 30 मिनट से 1 आवर के बीच में हो जाती है इन अ सिंगल विजिट। एग्जांपल जैसे कि जूम ब्लीचिंग। जूम ब्लीचिंग एक मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोसेस है जिसमें हम जूम एडवांस पावर चेयर साइड लैम्प का यूज़ करते हैं ताकि आपका ब्लीचिंग प्रोसेस जल्दी हो। नाउ एट होम ब्लीचिंग ऑप्शंस, बहुत सारे अवेलेबल ब्लीचिंग ऑप्शंस हैं जो कि आपके डेंटल प्रोफेशनल आपको सप्लाई कर सकते हैं। टीथ वाइटनिंग हम वाइटनिंग टूथपेस्ट से भी कर सकते हैं, रिंस करके भी कर सकते हैं, स्ट्रिप्स और जेल्स भी आते हैं, ट्रे भी आते हैं ब्लीचिंग के, ठीक है, और ये सब कम एक्सपेंसिव रहता है। विथ सूटेबल टेक्निक्स और प्रोडक्ट्स टीथ ब्लीचिंग घर पे भी आराम से की जा सकती है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं वाइटनिंग स्ट्रिप्स एंड जेल्स। तो आप एक वाइटनिंग जेल अपने टीथ पे लगा सकते हैं विद अ ब्रश, और वाइटनिंग स्ट्रिप जो होती है वो बहुत थिन स्ट्रिप होती है जिसमें पेरोक्साइड बेस्ड वाइटनिंग जेल होता है। अब इन प्रोडक्ट्स को लगाने से पहले डिस्क्रिप्शंस और डायरेक्शंस अच्छे से आपको पढ़ लेना चाहिए, इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि किस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है। नेक्स्ट इज ट्रे बेस्ड टूथ ब्लीचिंग सिस्टम। ट्रे बेस्ड टूथ ब्लीचिंग सिस्टम एक काइंड ऑफ माउथ गार्ड बन जाता है जिसमें जेल वाइटनिंग सॉल्यूशन डालते हैं। अब माउथ गार्ड मतलब ट्रे को अपर लोअर आपको थोड़े घंटों के लिए डालना होता है, या तो दिन में डालो या रात में डालो, उससे आपको स्पार्कलिंग वाइट टीथ मिलेंगे। आपके डेंटिस्ट आपको ड्यूरेशन बताएंगे कि कितना डालना है, कितना उसमें सॉल्यूशन डालना है और कैसे उसको यूज़ करना है। देन देयर आर टूथ वाइटनिंग टूथपेस्ट। जो स्टेन्स होते हैं जो कि चाय से कॉफ़ी से हो जाते हैं, उसके लिए हम टूथ वाइटनिंग टूथपेस्ट देते हैं, वो अफेक्टिव होता है इन स्टेन्स को हटाने के लिए। नाउ हाउ डू टीथ गेट डिसकलर्ड। कैसे डिसकलर हो गए? क्योंकि अनहेल्दी हैबिट्स या पुअर डेंटल हाइजीन या मेडिकेशंस लिया या कुछ और फैक्टर्स हैं। अब इसको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, एक्सट्रिंसिक डिसकलरेशन और इंट्रिंसिक डिसकलरेशन। एक्सट्रिंसिक डिसकलरेशन इज जब टूथ का सरफेस इन्वॉल्व हो, मतलब कि आपने कुछ खाया ऐसा, या आपने स्मोकिंग किया, टबैको प्रोडक्ट्स लिए, या कॉफ़ी चाय से ऊपर ऊपर जो स्टेनिंग हो जाती है। इंट्रिंसिक कौन सा होता है? जब अंदर से स्टेन आ जाता है। अंदर से स्टेन कैसे आता है? मे बी ड्यू टू जेनेटिक्स हो सकता है, या ट्रोमा हुआ हो कोई, या टूथ आपका डिके हो रहा हो, या फ्लोरोसिस हो, या फिर आपने कुछ एक तरह की मेडिकेशन ली हो। और इन दोनों फैक्टर्स के अलावा, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक के अलावा, विद एज भी आपके टीथ येलो होने स्टार्ट हो जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि कितना टाइम लगता है वाइट करने के लिए टीथ को? तो येलो से वाइट करने के लिए 3 to 4 weeks लग जाते हैं। नाउ व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ टीथ वाइटनिंग? ठीक है, अभी हम कर सकते हैं, लेकिन हमें इसका क्या नुकसान क्या है? तो कुछ लोगों को तो बिल्कुल कुछ भी नहीं साइड इफ़ेक्ट आता है, कुछ लोगों को साइड इफ़ेक्ट आता है, जैसे कि सेंसिटिविटी, बहुत ही कॉमन इशू है, और जिनके पेशेंट्स हैं जिनके अंदर इनेमल थोड़ा वीक रहता है उनके अंदर ये इशू आता है। समटाइम्स एप्लीकेशन प्रॉपर नहीं हुआ आपका वाइटनिंग मटेरियल का, तो उसकी वजह से सेंसिटिविटी आता है। और इस इशू को हटाने के लिए आपको एक ऐसे क्लिनिक में कराना चाहिए वाइटनिंग जहाँ पे एक डॉक्टर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हो। दूसरा आता है कि गम इरिटेशन। जब वाइटनिंग करते हैं तो गम को बिल्कुल अलग कर देना चाहिए, आइसोलेट करना चाहिए। अगर नहीं होगा और गम्स के ऊपर आपका वाइटनिंग सॉल्यूशन लगेगा तो इट विल लीड टू इरिटेशन। नेक्स्ट इज व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन जहाँ पर हमें नहीं ही करना चाहिए। तो सबसे पहले, अगर आपको परोक्साइड से एलर्जी है तो नहीं करेंगे, आप प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वोमन है तो नहीं होगा, सेंसिटिव टीथ में नहीं होगा, अगर आपके गम्स रिसीड कर रहे हैं तो नहीं होगा, 16 से कम की एज में नहीं होगा, और केरीज या फिर कोई फिलिंग डिफेक्टिव है
या टूथ कलर फिलिंग है या फिर क्राउन लगा हुआ है या वीनियर है उनके ऊपर ब्लीचिंग नहीं होगा। तो टूथ ब्लीचिंग इज बेस्ट परफॉर्म्ड अंडर डेंटिस्ट डेंटल सुपरविजन और एक प्री ट्रीटमेंट डेंटल एग्जामिनेशन और डायग्नोसिस ज़रूरी है। बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने ब्लीचिंग प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ करना स्टार्ट कर दिया और डायरेक्टली पेशेंट्स को दे देते हैं विदाउट एनी डेंटिस्ट की इन्वॉल्वमेंट। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ब्लीचिंग ट्रीटमेंट ऑप्शन में सबसे पहले होगा कि आप अपना लाइफस्टाइल देखें, फाइनेंशियल कंसिडरेशन देखें और ओरल हेल्थ देखें। सक्सेस अलग अलग हो सकता है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगेन, जितना आप स्मोक करेंगे, जितना आपका डाइट ऐसा होगा स्टेनिंग वाला, तो आपका जल्दी इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा और जितने इंट्रिंसिक स्टेन्स होंगे तब भी होगा। एज रिलेटेड इश्यूज़, तो कितना लास्ट करती है ब्लीचिंग ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे जो मैंने आपको बता दिया। सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन, क्या करें? टीथ वाइटनिंग जो है एक बेस्ट वे है कि आप अपने येलो और डिस्कलर टीथ को एलिमिनेट कर सको, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्लीचिंग सिर्फ जो मोस्टली येलो टीथ होते हैं जिनके उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आपके टीथ ब्राउन हैं तो ब्लीचिंग कुछ खास फ़र्क नहीं डालेगी, लेकिन टूथ ब्लीचिंग ओवरऑल एक इफ़ेक्टिव और सेफ प्रोसीजर है। अगर आपके येलो टीथ हैं और आप टीथ ब्लीचिंग के लिए ऑप्शंस देख रहे हैं तो आप अपने डेंटिस्ट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो व्हाट आर द फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस जो लोग कॉमनली पूछते हैं, इज ब्लीचिंग गुड फॉर टीथ? ब्लीचिंग एक बहुत इफ़ेक्टिव ऑप्शन है, हाउएवर कुछ लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हाउ लॉन्ग डज ब्लीचिंग लास्ट ऑन टीथ? इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। यूजुअली ब्लीचिंग जो है वो कुछ मंथ से कुछ साल तक चल सकती है। हाउ मच डज टूथ ब्लीच कॉस्ट? नाउ कॉस्ट जो है वो हर एक क्लिनिक से दूसरे क्लिनिक, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल अलग अलग होती है। आपने जहाँ से भी कराने का आप सोच रहे हैं वहाँ पे आप जाइए और अपने कॉस्ट का पता कीजिए। डज ब्लीचिंग डैमेज योर टीथ? वैसे ब्लीचिंग एक रिलेटिवली सेफ प्रोसीजर है, लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इसके साथ होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, सेंसिटिविटी और गम इरिटेशन हो सकता है। सो व्हाट इज़ द सेफेस्ट वे टू वाइटन टीथ? वाइटनिंग स्ट्रिप्स, जेल्स और ट्रे बेस्ड टूथ ब्लीचिंग सिस्टम्स हैं वो बिल्कुल सेफ हैं। कैन येलो टीथ बिकम वाइट? ब्लीचिंग से आपके येलो टीथ वाइट हो सकते हैं। What are the pros and cons of teeth whitening? So pros क्या हैं कि आपका confidence increase होगा, आपका appearance enhance होगा, और अगर doctor आपका bleaching कर रहे हैं तो result तो instant आएगा। लेकिन cons क्या हैं? Sensitivity हो सकता है, plus it is not permanent. So if you have any other queries regarding tooth bleaching, you can comment in the comment section below and let me know if I will answer. I will try to answer every question that you put on. So thank you very much for your time and I appreciate you guys. If you like my videos, if you like my efforts, then please do like, share and subscribe. Thank you very much. Thank you.